अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी आ चुका हूँ मैं स्कूल से और अभी टाइम हो रहे हैं 7 और ओकी बॉय वाले और अब्दुल मतीन गए हैं ट्यूशन। अभी तो मैंने खाना वाला सब खा लिया सही है। और अभी ना कोकी बॉय के दांत में बहुत ज़्यादा ही दर्द है, कोकी बॉय और अम्मी के, अम्मी के दांत में दर्द है, कोकी बॉय के दोनों के। अभी आएँगे कोकी बॉय, पूछेंगे कि क्या हुआ, अभी दर्द कैसा है, सही है या नहीं। और पहले बस फटाफट से मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ, अभी मुझे नींद भी आ रही है, शायद हो सके मैं सो जाऊँ क्योंकि स्कूल से आया हूँ। क्या नहीं हूँ बिल्कुल भी, ना स्कूल से आके मैं सो जाता हूँ। तो देखते हैं, अगर सोना हो सो जाएंगे फिर उठ के कोकी बॉय से पूछेंगे, जब तक वो ट्यूशन से भी आ जाएंगे। खैर इसी के साथ आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द अनदर फैमिली में उठ चुका हूँ और मैं उठते साथ ही मैंने कहा कि बेटा तेरे चाय पी लो, और चाय भी आ गई और उसके साथ ये बिस्किट, ये पूरा भरा हुआ था। ये कहाँ चला गया हमें, ये पहले मुझे आप बताएं। आपसे तो मैं बात करता हूँ, आपके जो दांत में दर्द है वो ट्यूशन से भी आ गए हैं अभी। अरे ये अम्मी ने खाया तो पूरा डब्बा भरा हुआ तो खाली हो गया, ये मेरे हिस्से के, अम्मी ये खाऊंगा। क्रोकी बॉय को देखें वहाँ पे माशाल्लाह ऐसा काम कर रहे हैं। क्रोकी बॉय वो उस दिन जो बना रहे थे उनका क्या हुआ, खराब हो गए वो? क्यों? वो मैं ब्लैक, जैसे कि ब्लैक में नहीं दिखता ना ऐसा सोलर सिस्टम। मैंने इससे बोला बना के दिख जाएगा। अब इसने बना रहे दूसरे में। दांत का भी दर्द पूछता हूँ, दांत का दर्द कैसा है? जी डॉक्टर अभी आते हैं, आते हैं आपके पास, अब चाय वाय पी के आपके पास ही आते हैं, सफर कर रहे हैं। अभी क्या किया था मैंने? पबजी खेला। मैंने प्रोजेक्ट है ना, मैंने ही कट कर दिया। ये रहा ये मैंने इधर शक कर दिया। अभी बेटा करेंगे ना, मैं पूरा फाड़ूंगा, पहले बता क्या। खैर ये बताओ मुझे कि आपके दांत का दर्द कैसा है? बहुत गंदा। हॉस्पिटल गए थे, क्या बोला? एक्सरे करवाना है बेटा, एक्सरे करवाएंगे उसमें पता चलेगा दांत में कुछ मीठे चीजें दर्द कुछ नहीं होता, एक्सरे होगा अभी। ये मेरे को नहीं पता, ना मैंने कभी नहीं करवाया, मेरे दांतों का इलाज हुआ था बट एक्सरे याद नहीं मुझे हुआ नहीं था। मेरा एक्सरे हुआ था नाक का, भी नाक की हड्डी हो गई थी टेढ़ी, याद होगा। हाँ मैंने मुक्का मारा था, वो सीन क्या हुआ था नाक के, नहीं मैं पलंग से गिर गया था, अभी मेरे को याद है। हाँ वही बता रहा हूँ, वही सब शेयर कर रहा हूँ बातें। मेरे दांत का भी था, दांत का जो मेरा ना बीच में आधा दांत टूटा हुआ है, एक मेरा टूटा हुआ है, एक मेरे कज़न का अरीब के दो टूटे हैं, एक आसिफ है जो आतिफ का भाई उनके भी टूटे हैं। मेरा जो टूटा था वो मेरे कैसे टूटा था, हम लोग बारिश में नहा रहे थे, मेरे ऊपर आसिफ या आतिफ बैठा था दोनों में से कोई, तो मेरा हाथ वो स्लिप, हाथ जैसे ही मैंने स्लिप हुआ ना मेरे घर के दांत लगे ज़मीन पर। मेरा पाँव जो मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ मैंने अपने आप को रखा, मेरा जो दर्द था इतना, मैंने दो दिन बाद अम्मी को बताया कि ये मेरे साथ है, अपने बताया कि जो मेरे पास दर्द हुआ था, फिर उसके मतलब महीने बाद जो फिर मैं ठंडी चीज़ें कुछ भी खाता था ना मेरे दांत में दर्द होता, तो उसका मैंने 2 महीने इलाज करवाया। इलाज के बाद अभी भी सही है, मतलब हल्का फुल्का होता है कभी कभी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं। इसके बाद मेरी नाक की हड्डी थी, नाक की हड्डी का भी यही सीन था, मैं सो रहा था पलंग से नीचे गिर गया, पलंग से मैं गिर गया जिस वजह से मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। और एक बार मेरा हाथ टूटा था उल्टा वाला, मेरा भी आपका टूटा था किस चीज़ के ऊपर पता है? किस चीज़ के ऊपर? वो स्पाइडरमैन बन रहे थे, स्पाइडरमैन ने जंप मारा टूट गए, स्पाइडरमैन की जंप मारा गिर गए। और इसके बाद गारों में अब्दुल राफे का हुआ था, अभी की ये बात है रिसेंटली। अभी गारों में रिसेंटली इसी ईयर की बात है, गारों तो पता है ना, गारों में ही अब्दुल राफे का रिसेंटली ये हुआ था, मतलब इसी ईयर में ही अब्दुल राफे का हाथ टूट गया था। कैसा जाता है वो खेल रहे थे, वो गलत तरीके से गिर गए, इनके पूरा हाथ है ना ऐसा टेढ़ा हो गया, फिर मैंने झूम करके सीधा करा है, मतलब वो दिन था वो। फिर पापा को हमने पता है कब बताया, पापा को हमने 2 दिन बाद बताया, जो पापा ने हमें डांटा 2 दिन बाद बताया था। और ये जी ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है वो सही से मैंने बात, नज़र ही नहीं आ रहा, नहीं नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, नहीं आ रहा सही है। टाइम में से आप इसको कितने लेंगे कमेंट में बताना, कमेंट में बताएं आप लोग की टाइम में कितने लेंगे। तो खैर अभी फटाफट से मैंने काम भी करना है, मेरे रजिस्टर सारे ये पड़े हैं, मैथ का काम करना है, मैथ का काम करते फटाफट से, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है, ये ब्लॉग को एंड कर देंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो फाइनली मैं अभी काम कर रहा हूँ, अब कोकी बॉय था अपना काम वाम करके सब चले गए, सोलर सिस्टम वगैरह बना के चले गए सोने, सब समेट भी लिया उन्होंने, मैंने बोला अभी मैं भी अपना भी काम कर दूँ, काम करता हूँ पहले ब्लॉग एंड करता हूँ फिर अपना काम करता हूँ।
सबसे पहले यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिस जिस में मीडिया को जानना कर बताइए, मीडिया को ज्वाइन करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास सारी वीडियोस की अपडेट्स आते रहें। कल शायद कोकी बॉय को ले जाना है हमने एक्स्ट्रा करवाने, तो शायद मैं भी जाऊँ उनके साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।